पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधायक राजेंद्र भारती पर तंज कसा है और कहा है कि हम उनका मुकाबला क्या करें जिनका रावण भी ऑटो में घूमता है। इस दौरान मिश्रा दतिया के विकास के लिए सजग नजर आए। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती में तनातनी जारी है। इस बीच विधायक राजेंद्र भारती के बयान को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जुबानी प्रहार किया और कार्यकर्ताओं से कहा कि हम उनका मुकाबला क्या करें जिनका रावण भी ऑटो से घूमता है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव भले ही हारा हूं, लेकिन विकास कार्य को लेकर सदैव जनता के लिए समर्पित रहूंगा। जिनके पास 30 करोड़ प्रतिवर्ष विधायक निधि आ रही है, अब वह अपना हिसाब दें। मेरी तो लिस्ट बनी रखी हुई है। उनकी ओर अपन नहीं कर सकते, ये बार बार सवाल कर रहे थे कि उनका क्या किया। उनकी ओर कर नहीं सकते, उनका तो रावण भी ऑटो में घूमता है। तो जो कांग्रेस पार्टी वाले देखते हो, जैसे मैंने एक दर्जन गिनाई भाई, अस्पताल में दवा तो दवाइयां मुफ्त की मिलती है कि नहीं मिलती? गोली कैप्सूल इंजेक्शन बोतल सब फ्री का है कि नहीं है? स्कूल जाए सरकारी में तो किताबें फ्री है, फीस नहीं लगते है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा, नमक मिल रहा है, मकान मिल रहा है, ये सब के सब फ्री में देने वाली एक ही मात्र पार्टी है। हम भले यहाँ हार गए होंगे, वो जीत गए होंगे, 30 करोड़ रुपया आ रहे हैं साल के। अरे भैया हम तो हार गए हिसाब से, तुम हो ना अगर विधायक तुम हिसाब से, हम कहे पे हिसाब से, पर हम जब थे तो आज तक हमारे कामों का हिसाब हम पहले देते हैं। हमारे अध्यक्ष ने एक विकास गिनाया कि ये हिसाब है हमारा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।